हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मधुबनी ज़िला के रांटी स्थित एक गांव में। और रांटी से जो मधुबनी जाने वाली रोड है, यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है। हम लोग इधर से जा रहे थे तो पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत तालाब है, तो हमने इस पर रिपोर्टिंग करना मुनासिब समझा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तालाब को थोड़ा सा दिखाया जाए। और तालाब की क्वालिटी ये है कि तालाब चारों तरफ से बिल्कुल ही साफ सुथरा है। और यहाँ पर चारों तरफ से एक छठ त्यौहार मनाने का एक बेहतरीन ही इंतज़ाम किया गया है, जिस पर चारों तरफ से लोग छठ मनाते हैं। और छठ के सीज़न में ये बड़ा ही बेहतरीन अंदाज से इसको सजाया जाता है। ये आपको मधुबनी से रांटी के बीच में एक जगह है, उस जगह पर एक उत्तर की तरफ एक रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर एक तालाब है और तालाब की लंबाई चौड़ाई का अनुमान आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। तालाब के चारों तरफ मकान बना हुआ है और एक तरफ पूरा का पूरा रोड है, जो दिखने में किसी मनोरम दृश्य से कम नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा मधुबनी वासियों से और बाकी और जगह के लोगों से कि कृपया यहां पर आएँ और इस तालाब की खूबसूरती को निहारें। प्रकृति द्वारा दी गई इस खूबसूरती के बारे में क्या कहूं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी ज़्यादा मनोरम दृश्य है। यहां पर एक रोड है जो रोड एक मोहल्ले की तरफ जाती है और काफ़ी वीरान और काफ़ी सुनसान और काफ़ी पीसफुल, काफ़ी शांतिप्रिय जगह है। चार दाएं तरफ तालाब है और बाएं तरफ गाछी है, एक कलम का बाग है, आम के पेड़ हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ इनको घुमा कर दिखाने का कोशिश करें। कैमरामैन राशिद इकबाल के साथ हसनैन इमाम, DCWE।